स्टूडेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका इस एंशियंट इंडिया के कोर्स में। दिस इज द एन यूनिक टेक और हम बात करने वाले वैदिक लिटरेचर की। तो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद पढ़ा था, बट ऋग्वेद के बाद जो लिटरेचर लिखा गया है, स्पेशली ड्यूरिंग 1000 BC टू 500 BC, राइट, उनका जिक्र थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहेंगे, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। सो मेरी एक शंका है, बाकी का वैदिक लिटरेचर आप कब पढ़ाएंगे? तो सही सवाल है भाई कि हाँ भाई, हमने ऑलरेडी ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, बाकी का वैदिक लिटरेचर पढ़ने का समय आ गया है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ, राइट। और प्लस जो है, अपने कमेंट सेक्शन में जो है आप हमें बताइए कि हमें नेक्स्ट टेकअप क्या करना चाहिए, कौन सी और सीरीज आप चाह रहे हैं कि हम लोग टेकअप करें। बाकी शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेटर वेदी गैरा की, हम बात कर रहे हैं इस समय क्या ऐसे टेक्स सीखे गए। तो हम तो बात करते हैं लेटर वेदिक एरा की। लेटर वेदिक एरा में जो है, ऋग्वेद के बाद बहुत सारे वेद लिखे गए। तो चार तो वेद लिखे गए। ऋग्वेद तो पहले लिखा गया था, राइट, ऋग्वेद लिखा गया है 1500 से 1000 के बीच में, और उसके बाद फिर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे ही वेद जो है बाद में लिखे गए। तो जो वेदिक कॉर्पस है, जो वेदिक लिटरेचर है, इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक पार्ट है आपका श्रुति और दूसरा पार्ट है स्मृति। श्रुति वो पार्ट है जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं रिवील किया है। तो रिवील्ड है ये, रिवील्ड, राइट, है ना। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने कहा है और जो है ऋषियों ने सुना है। तो श्रुति वर्ड वहां से आता है, श्रुति सुना हुआ है, हियर मीन्स टू हियर, राइट। तो आपके वेद हो गए, ब्रह्मनाथ हो गए, अरण्यकास हो गए और उपनिषद, ये जो चारों जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर श्रुति लिटरेचर के अंदर काउंट करे जाते हैं। और उसके बाद जो जो है लिखे गए हैं, वेदंगा हो गए, षट दर्शन हो गए, पुराण हो गया, इतिहास हो गया, उपवेद, तंत्र, अगम, उपंगा, ये जो सारे जो जो है आपके बाद में जो लिटरेचर लिखे गए हैं, इनको स्मृति जो है लिखा कहा गया है। स्मृति मतलब होता है मेमोरी बेस्ड या फिर टू बी रिमेम्बर्ड, कि हाँ वो शायद कहीं सुना था और उसकी कहानी, उसके बेस जो है उन्होंने याद रखा हुआ है, तो स्मृति। तो ये जो है स्मृति जो है थोड़ा सा लेटर डेवलपमेंट है, लेकिन श्रुति जो है, श्रुति श्रुति इज द मेन, यू कैन से वैदिक कॉर्पस, जो कि जिसकी अथॉरिटी कहीं ज्यादा है। तो उसमें वेद भी आ गए, जैसे कि मैंने कहा, दूसरे ब्रह्मनास, तीसरे अरण्यकास और चौथे उपनिषद। तो ये चार नाम हम ध्यान रखेंगे। वेद ऑफ कोर्स आपको याद रहता है, ब्रह्मनास, अरण्यकास और उपनिषद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये तीन नाम और रट लें। ओके, तो फिलहाल तो वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक, तो विद जो है, विद वर्ड जो आता है वेद में, विद, तो विद बेसिकली विद्या से रिलेटेड है ना, इट इज अबाउट नॉलेज। तो वेद जो है, इट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ हाइम्स, चार्म्स, प्रेयर्स, है ना, और सैक्रिफिशियल फॉर्मूले जो कि ज्ञान से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, राइट। और जैसे मैंने कहा कि हाँ ये ब्रह्मा जी ने स्वयं रिवील किए थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि हाँ दीज आर अपौरुषीय और अपौरुषीय। अपौरुषीय मतलब हो गया कि हाँ इसे किसी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट नहीं किया है, ये भगवान ब्रह्म ने स्वयं जो है इसको इसको रिवील करा हुआ है। तो अपौरुषीय भी इसको कहा जाता है, राइट। एंड प्लस वैदिक नॉलेज जो है, ये किसी, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर इस टाइम तक ही एप्लीकेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक नॉलेज को टाइमलेस माना गया है, यूनिवर्सल माना गया है, इटर्नल माना गया है, और इसीलिए इसे कहा गया है नित्य, इटर्नल। तो वैदिक नॉलेज को इटर्नल भी कहा गया है। प्लस जो ऋषि इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन ऋषियों को जो है कहा गया है मंत्र दृष्टा, इंस्पायर्ड सेंट्स, है ना, कि जो लॉर्ड ब्रह्म से खुद इंस्पायर होकर उनकी बातें सुन के जिन्होंने हाइम सिखाए, तो जो है मंत्र दृष्टा। ऑल्सो जब ये कंपोज हो रहा है जिस समय में, उस समय में राइटिंग है नहीं, तो ये जो जो है जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैदिक लिटरेचर है, जो नॉलेज है, ये ओरल ट्रांसफर हुई है, ओरल ट्रांसफर हुई है ना, कि हाँ जो ऋषि हैं, जो गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को उन्होंने बताया, उन लोगों ने रट लिया, और उसके बाद फिर बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने भी उसको रट लिया, इस तरीके से वो ट्रांसफर हुई है। तो फिलहाल तो हमने देखा कि हाँ जो है वेदाज हैं, ब्रह्मनाज हैं, अरण्यकाज हैं, उपनिषद हैं, दीज आर द मेन बुक्स। तो वेदों की जो किताबें, उसे संहिता कहा जाता है, संहिता। और उसके अलावा मैंने कहा कि इसको रट लीजिए, ब्रह्मनाज को, अरण्यकास को और उपनिषद को। तो ये चार जॉनर जो है मेन है। ओके, इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रह्मनास के बारे में बताना चाहूंगा। सुनाओ, तो पहले सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ 1028 साइंस हैं, तो ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद फिर बाकी के तीन वेद आते हैं,
एक है यजुर्वेद, जिसमें अगेन रिचुअल फॉर्मूले हैं, रिचुअल्स हैं। फिर उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है इज अबाउट म्यूजिक, कि अगर हमें कोई लेट से हाइम पढ़ना है तो उसकी में धुन क्या है, म्यूजिक क्या है, तो दैट इज सामवेद। और फिर एक चौथा वेद लिखा गया जिसे कहा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद इज अबाउट मैजिक एंड स्पेल्स। अब इसे कैटेगराइज करना खाली मैजिक एंड स्पेल्स पूरी तरह से सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, बट मैं समझाऊंगा बाद में अथर्वेद। तो फिलहाल तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद जो है 1000 BC के बाद और लिखे गए, 1000 BC। नाउ इसके साथ ही साथ एक और किताबें लिखी गई जो है ब्रह्मणास। ब्रह्मणास जो है, ब्रह्मणास इज अबाउट रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले, रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले और उसका जस्टिफिकेशन। अब इससे क्या हो रहा है, समझो इस बात को, कि जो आपका जो जो ब्रह्मणास जो लिखा जा रहा है, तो जो थाउजेंड्स के बाद जो टाइम आ रहा है, 1000 to 500 BC अगर हम फॉर द टाइमिंग कहें, तो 1000 to 500 BC जो टाइम आ रहा है उसमें रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। राइट, रिचुअल्स जो है ना, सेक्रीफाइसेस जो है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस एरा में अगर हम समझें कि 500 BC तक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे खाली ऋग्वेद था, दिस इज 1500, दिस इज 1000, और यहां पे जो आपके तीन वेद भी आ गए और प्लस ब्रह्मणास भी आ गए। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जो रिचुअल्स हैं, बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइस, जो कर्म कांड है, जिसको आप कह सकते हैं कर्म कांड, कि यज्ञ करने से ऐसा होगा समथिंग, तो कर्म कांड जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने लगेगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, है ना। उसी में आप समझिए कि जो सैक्रिफाइसेस हैं, जैसे इनफैक्ट इंक्लूडिंग एनिमल सैक्रिफाइसेस, नॉर्मल सैक्रिफाइसेस प्लस एनिमल सैक्रिफाइसेस, तो ये सब भी खूब इंपॉर्टेंट होने लगेगा। तो एनिमल सैक्रिफाइस अभी बहुत मैटर करेगा। तो ब्रह्मणास के आने से आप समझ सकते हैं कि ये इन चीजों को और ज्यादा यू कैन से बढ़ावा मिला है, और ब्रह्मणास के आने से जो है, जो रिचुअल्स हैं, जो एनिमल सैक्रिफाइसेस हैं, उनकी तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि मोक्ष पाने का, अगर आपको लेक से मोक्ष पाना है, तो ब्रह्मणास के हिसाब से मोक्ष पाने का जो तरीका है एज पर ब्रह्मणास, वो है कर्मकांड, कर्मों द्वारा, यानी रिचुअल्स द्वारा, सैक्रिफाइसेस द्वारा। अब इसे आप रिचुअल कह सकते हो, आप इसे सैक्रिफाइस कह सकते हो। तो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस द्वारा जो है आपका जो मोक्ष पाने का मार्ग है, वो ब्रह्मणास प्रीच करते हैं, राइट। बट इससे हो क्या रहा है, कि इससे सैक्रिफाइसेस की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो दान दक्षिणा दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है, कैटल जो है, कैटल का स्लॉटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सोसाइटी में डेफिनेटली जो है, अब थोड़ा सा इसको काउंटर किया जा रहा है कि ये जो व्यू है ये पूरी तरह से सही नहीं है, राइट। यहाँ पूरी तरह से अगर हम ब्रह्मणास पर रिलाय करेंगे, पूरी तरह से अगर कर्मकांड या रिचुअल सैक्रिफाइसेस पर रिलाय करेंगे, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो अब होगा क्या कि हम एक दूसरी किताब जो है देखेंगे इसके बाद, जो होगा अरण्यकास। अरण्यकास भी कर्मकांड के साथ है, लेकिन थोड़ा सा दूर जा रहा है। और फिर फाइनल जो वर्जन आएगा, जो लास्ट बुक लिखी जाएगी, जो किताबें लिखी जाएंगी, वो है उपनिषद। उपनिषद पूरी तरह से निगेट करेंगी सैक्रिफाइसेस को। उपनिषद के हिसाब से जो सैक्रिफाइसेस हैं, राइट, सैक्रिफाइसेस को वो मना करेंगे, कहेंगे नहीं, मोक्ष पाने का एक दूसरा तरीका है, विच इज ज्ञान, और ज्ञान मार्ग का कॉन्सेप्ट आएगा वाय उपनिषद। तो ये जो ब्रह्मणकास, अरण्यकास, उपनिषद हैं, ये तीनों अलग अलग फिलॉसफीज हैं। अरण्यकास दोनों का इंटरमीडियरी है, दोनों के बीच में लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा इस साइड है, थोड़ा सा उस साइड है। बट ब्रह्मणकास, ब्रह्मणास अगर आप देखिए, तो ब्रह्मणास इज अबाउट कर्मकांड, ब्रह्मणास इज अबाउट रिचुअल सैक्रिफाइसेस, राइट, एनिमल सैक्रिफाइसेस। और उपनिषद दूसरी जगह कहता है कि नहीं नहीं ये कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष पाने के कई तरीके हैं, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग की तरफ आपको लेके जाएगा। आई होप थोड़ा सा जो है फाउंडेशन आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्या है। तो हमने बात करी ब्रह्मणास की, हमने बात करी जो है अरण्यकास की। अरण्यकास को फॉरेस्ट बुक कहा जाता है, फॉरेस्ट बुक, अरण्य,
और ये जो फिलॉसफी है ये इंटरमीडियरी है बिटवीन ब्राह्मणास एंड एंड उपनिषद। तो बहुत सारे ब्राह्मणास लिखे गए हैं, तो आप देखेंगे कि हर ये जो हम पढ़ रहे हैं तो हर वेद के साथ जो है आपका ब्राह्मणास भी होंगे, हर वेद के साथ आरण्यकास भी होंगे और हर वेद के साथ उपनिषद भी होंगे, राइट। तो वेदों के साथ एसोसिएटेड है ये। जैसे कि ऋग्वेद हम देखें तो ऋग्वेद में ऐत्रीय ब्राह्मणा भी है, कौशिटाकी ब्राह्मणा भी है, साम वेद में तांड्य महाब्राह्मणा है, सदाविंश ब्राह्मणा है, यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मणा है, सतपता ब्राह्मणा है, अथर्वेद में गोपता ब्राह्मणा है। तो देर आर ब्राह्मणा एसोसिएटेड विद ऑल द वेदास विच टॉक्स अबाउट, ऑफकोर्स ऑल दीज बुक्स विल बी टॉकिंग अबाउट सैक्रीफाइसेस, सैक्रीफाइसेस रिचुअल्स, कर्म कांड जो हम कह रहे थे, कर्म मार्ग की जो हम बात कर रहे थे। ओके, सिमिलरली उपनिषद, जैसा कि हमने कहा कि उपनिषद इज अ डिफरेंट फिलॉसफी, उपनिषद इज अबाउट कि भाई जो है ज्ञान जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन योर कर्मकांड। तो इसीलिए उनको वेदांता भी कहा गया है, एंड ऑफ द वेदास, लास्ट पार्ट है बेसिकली वेदास के। तो ये जो है दीज आर फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल जो है टॉपिक्स पे ये डील करते हैं, एंड जो वैदिक नॉलेज का जो क्रक्स है वो आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। इसकी लिटरल मीनिंग अगर आप समझिए तो लिटरल मीनिंग होता है जो टू सिट डाउन नियर समवन, कि भाई किसी ऋषि है, कोई गुरु है, उनके पास आप जाके बैठिए और उनसे ज्ञान लीजिए। तो टोटल 108 उपनिषद जो है लिखे गए हैं, बट ऑफकोर्स हम या यूपीएससी के सारे हमें उपनिषद नहीं पढ़ने, हमें कुछ उपनिषद से जो बातें पता चली हैं सिर्फ वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि जो है अर्ली उपनिषद में देखें, इंपॉर्टेंट उपनिषद में देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद इज वेरी वेरी फेमस, बृहदारण्यक उपनिषद, देन चंडोग्य उपनिषद, राइट। तो बृहदारण्यक उपनिषद, चंडोग उपनिषद, ये सब प्रोज में लिखे गए। सिमिलरली जो है काट उपनिषद, श्वेतेश्वरा उपनिषद है ना, ये सारे वर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म फॉलो किया गया हो, बट हाँ द आइडिया इज दे ऑल आर एक्चुअली इंडिकेटिंग टूवर्ड्स ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, नॉट द पाथ ऑफ सैक्रीफाइसेस और द पाथ ऑफ रिचुअल्स। तो नॉलेज यहाँ पे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है उपनिषदिक डिस्कशन में तुम्हारी बातें आएंगी ऐसी कि हाँ देल बी टॉकिंग अबाउट स्वर्ग, देल बी टॉकिंग अबाउट नरक, आत्मा की बात आएगी कि सोल क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है, मोक्ष क्या है, राइट। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ब्रह्म का, कि ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट रियालिटी ऑफ द यूनिवर्स है, ब्रह्म, राइट। तो उपनिषदिक फिलोसफी बिलीव दैट इंडिविजुअल सोल इज आइडेंटिकल विद सुप्रीम सोल, दैट इज ब्रह्मा, कि जो हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म के साथ आइडेंटिकल है, दोनों एक ही है। तो आत्मा और ब्रह्म या फिर आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये सब बातें जो है, ये जो कॉन्सेप्ट्स जो है अबाउट आत्मा ब्रह्मा उसका रिलेशन समथिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमें उपनिषद में देखने को मिलेगा। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.